मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नई थमरा आग लगने का सिलसिला सतपुड़ा भवन के बाद मंत्रालय वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर शनिवार सुबह करीब 10 बजे आग लग गई। देखते ही देखते आग 4थी और 3री मंजिल पर भी फैल गई। भोपाल रायसेन विदिशा के अलावा एयरपोर्ट BHEL और सेना की 100 से अधिक दमकलें और टैंकर आग बुझाने में जुटे हैं। महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से बिल्डिंग में ज्यादा कर्मचारी नहीं थे। सभी 5 कर्मचारी जो फंसे थे उनको बाहर निकाल लिया गया। 2 कर्मचारियों को अस्पताल ले आया गया। PCC चीफ जीतू पटवारी को पुलिस ने वल्लभ भवन जाने से रोका। इससे नाराज होकर पटवारी वल्लभ भवन के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये सरकारी आग है जो कि जानबूझकर लगाई गई है। इस वक्त भोपाल के वल्लभ भवन में मौजूद हूँ। वल्लभ भवन मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रालय है और यहाँ इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। आज वल्लभ भवन के अंदर जो है आज छुट्टी भी है और नहीं जान हानि की तो अभी कोई खबर नहीं आ रही है क्योंकि आज वल्लभ भवन की छुट्टी है। इस कारण जो है अंदर कोई ज़्यादा कर्मचारी तो थे नहीं, लेकिन ये पता चला है सूत्रों से कि इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो सरकारी दस्तावेज थे, फाइलें थी, वो सारी नष्ट हो गई जलकर। अच्छा, कौन कौन सी टीमें यहाँ पर आई हैं आग बुझाने के लिए? इस वक्त आग बुझाने के लिए भोपाल से फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। उसके अलावा सेना के जवान भी आए हुए हैं जो इस आग को काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं साथ में। क्या सेना के कोई एक्सपर्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं आग बुझाने के लिए? हाँ, ये हमें अभी पता चला है कुछ सेना के एक्सपर्ट टीम भी आई हैं जो इस टाइप की जो भयंकर आग को काबू पाने के अंदर महारत हासिल रखती हैं, वो भी आई हुई हैं और वो उस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। ये आग सुबह से जल रही है, लगी हुई है और अभी तक आप दोपहर के 12 बज गए हैं लेकिन अभी तक इस पर काबू पाया नहीं गया है। वो कोशिश पूरी लगातार करी जा रही है भोपाल के फायर ब्रिगेड की टीमों के द्वारा और सेना के जवानों के द्वारा कि इस आग को किसी तरह काबू पाया जाए। फायर ब्रिगेड की अनगिनत गाड़ियां हैं, कम से कम मेरे हिसाब से तो फायर ब्रिगेड की कंटिन्यू गाड़ियां आ रही हैं और कंटिन्यू जा रही हैं। उसके अलावा सेना की गाड़ियां भी आई हैं आग बुझाने के लिए, उनके महारत वाले जो बंदे हैं वो भी इसके अंदर लगे हुए हैं। मैं राष्ट्र आजकल न्यूज़ के लिए भोपाल से मोहम्मद फहीमुद्दीन। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।